अस्सलाम वालेकुम वाइटी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घर में खैरियत के साथ होंगे। और ये मैं आज नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। मैंने आज भिंडी बनाने के लिए रेसिपी शेयर की थी करनी है आप लोगों से। तो ये हमने ले ली है भिंडी, आधा किलो भिंडी है ये। और ये हमने ले लिए प्याज, ले लिए ये आप 2 से 3 अदद काट लीजिए। एंड ये हमने चिकन जो है ना ये फ्राई कर लिया था कोरमा मसाले में। तो ये चिकन भिंडी होगी तो इसलिए चिकन हमने फ्राई कर लिया था पहले से ही कोरमा मसाले में, उसको हमने भून लिया था। और ये धनिया है, मिर्चे हैं, और ये टमाटर है, और ये हरा लहसुन है, इसको हरा लहसुन कहते हैं। और ये गरम मसाला है 2 टेबल स्पून, और ये काली मिर्च है 1 टेबल स्पून, और ये ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, और हल्दी है 1 टेबल स्पून। और ये बटर हमने ले लिया है, तो ये आप बटर में तैयार कीजिएगा, ऐसे मत करेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। और ये नमक है 1 टेबल स्पून। ये अब हमने स्टार्ट कर लिया है ये। अब ये इसको बटर को हम मेल्ट होने देंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें इसमें ऐड करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अब ये मेल्ट हो रहा है। और ये साथ साथ मेल्ट हो रहा है तो फ्रेंड्स, ये बटर जो है ना आधा, मतलब हमने ये लिया है, इसको हमने पूरा ये पाव बटर ले लिया था, हमने खुला बटर लिया है ना, जो खालिश होता है, तो ये वो है बटर। और फ्रेंड्स, आपसे लोगों से गुजारिश यही है कि इसको मेल्ट, आधा मेल्ट होगा और आधा मेल्ट नहीं होगा तब आपने प्याज डालना है। अब ये देखिए, आधा हमने मेल्ट होते छोड़ दिया, अब इसमें हम प्याज ऐड कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये सारे ना इसमें फ्राई होंगे। और फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग फुल फ्राई नहीं करेंगे इसको, अब ये हाफ, मतलब आधा कच्चा ही रहने देंगे इसमें। और अब इसमें हम भिंडी ऐड करेंगे। ये देखिए, अब हमने इसमें भिंडी ऐड कर दी, ठीक है। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे, और अब इसमें ये हम हरा लहसुन ऐड करेंगे, और जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमने सारे मसाले की जितने भी हैं ना, इनको 1 टेबल 1 टेबल स्पून ले लिया, तो अभी हम सारे ऐड इकट्ठे कर देंगे। इसको दम वाली भिंडी कहते हैं, तो चिकन वाली दम वाली भिंडी बनेगी। तो मसालों का इस्तेमाल कम ही कीजिए। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो ज़्यादा स्पाइसी डाल दें, और अगर कम खाना चाहते हैं तो कम डाल दें। और जैसे कि फ्रेंड्स, हमने बताया था कि हमने गरम मसाला पिसा हुआ लिया 2 टेबल स्पून, तो हम इसमें से अभी 1 टेबल स्पून इसमें डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और काली मिर्च भी कुछ ऐसे ही है, तो हमने काली मिर्च 1 टेबल स्पून ली थी, जिसमें से हम 1/2 टेबल स्पून करें, क्योंकि भिंडी की क्वान्टिटी कम है इस वजह से। और ये चिकन, और इसका इस्तेमाल हम सबसे लास्ट में करेंगे। अब इसको हम दम पे पकने देंगे। जब ये दम पे पक के भुन जाएगी, उसके बाद हम चिकन और हरा धनिया उसका इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ईजी सी भिंडी आप लोगों की तैयार हो जाएगी। अब इसमें हम ये चमचा हिला रहे हैं इसको, तो थोड़ा बहुत भाप पे रखेंगे, ढीली हो जाएगी। अगर आप चमचा हिलाते रहेंगे तो खड़ी खड़ी भिंडी बनेगी। देख सकते हैं ये डिलीशियस तैयार हो गई है। बस फ्रेंड्स, ये भिंडी तैयार हो गई है हमारी। अभी अब चिकन हम इस पर डाल रहे हैं। ये चिकन, जैसे कि आपको बताया था, हमने कोरमा मसाले में इसको भून लिया था, तो अब ये इससे भिंडी पर हम डाल रहे हैं। भिंडी तैयार हो चुकी है, और ये इस पर हमने धनिया पुदीना मिर्चें वगैरह जितना हमने क्रश किया हुआ था ऐड कर दिया है। और फ्रेंड्स, ये भिंडी हमारी बिल्कुल हो चुकी है अब तैयार। तो अब आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो मॉम्स किचन एंड डेली व्लॉग से अब आप सबसे मेरी अल्लाह हाफिज़ फी अमानिल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के साथ शामिल होंगे, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन।